देखो बच्चों, मिसलिनियस पेज नंबर 242, मिसलिनियस पेज नंबर 242, ये कहता है, ये पहला क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमें नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ आप। सेकंड क्वेश्चन में कहता है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आवाज नहीं आए तो मुझे बीच में बोल देना, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा, बताओ निकाल के दिखाओ इसका एफ डैश एक्स क्या होगा। चलो मैं ही करता हूँ, आप दोबारा करेंगे इसको, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, एक्स यहाँ पैरेजिटिव रहेगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हाँ माइनस लॉग एक्स पैरेजिटिव रहेगा और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। हाँ एक्स एक्स को कैंसिल कर देंगे, ये आ गया वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स को जीरो पुट किया तो क्या हो गया, वन माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू वन आ गया। बच्चों वन को आप लिख सकते हो लॉग ई, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू ई हो गई। अंकित आप ही समझ सकते हो, आप ही समझ सकते हो ये, ठीक है। हाँ इसको तो यहाँ से log x इज इक्वल टू लॉग ई आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, ई बन गई, ठीक है बच्चों। इसका अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव करो, एफ डबल डैश x निकालो, एफ डबल डैश x निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्र का होल स्क्र, यहाँ पर एक्स स्क्र एज इट इज, वन माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो माइनस वन बाई एक्स, जीरो माइनस लिखो मत बच्चों, मैं इसकी फोटो खींच के भेज दूंगा आपको, पीडीएफ भेज दूंगा, या साथ साथ लिख सकते हो तो लिख लो, ठीक है। क्या आ गया, माइनस माइनस क्या करेंगे हम, माइनस हो जाएगा दिस इज वन माइनस टू एक्स इंटू वन माइनस लॉग एक्स, वन माइनस लॉग एक्स, एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास, इसको इससे कट कर देंगे तो ये एक्स हो गया, एक्स माइनस टू एक्स इंटू वन माइनस लॉग एक्स, ये आ गया, ठीक है। अपॉन में क्या है, एक्स फोर, थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वन माइनस टू इंटू वन माइनस लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। मेनली समझने पे ध्यान देना बच्चों, लिखने पे कॉमन लिया है, क्या एक्स को कॉमन लिया, एक्स को कॉमन लिया, ठीक है, एक्स को कॉमन लिया तो ये हो गया वन माइनस टू लॉग ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक्स फोर था ना, एक्स फोर था, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो एक्स क्यूब आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया वन माइनस, इसको भी अगर आप ओपन करोगे तो देखो माइनस टू हो जाएगा प्लस में टू लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये हो गया टू लॉग एक्स, टू लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये आपका एफ डैश एक्स आ गया, सॉरी ये डबल डैश है, एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर आप ई पे चेक करेंगे, एफ डबल डैश ई, एफ डबल डैश ई क्या आएगा, एफ डबल डैश ई आएगा यहाँ से टू लॉग ई माइनस वन अपॉन ई क्यूब, लॉग ई होता है बच्चों वन, तो ये होगा टू माइनस वन अपॉन ई क्यूब, टू माइनस वन दैट इज वन अपॉन ई क्यूब, ग्रेटर देन जीरो आ गया, ठीक है। ई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ई का क्यूब करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, बट कुछ गलत आ गया, मिनिमम आना चाहिए था, मैक्सिमम क्यों आ गया। क्या बेटा, क्या एक्स कॉमन लिया था, चेक करो कहाँ मिस्टेक हुआ, वन माइनस लॉग ई था, वन माइनस एक्स तो ही आ गया, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है। इसका डेरिवेटिव किया तो डोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया वन माइनस वन बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का क्या टू एक्स, वन माइनस लॉग एक्स एज इट इज, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर आया मिस्टेक, ये माइनस था, इस एक्स स्क्वायर को इससे काटेंगे तो या माइनस एक्स बचेगा, या माइनस एक्स बचेगा तो ये माइनस वन होगा, ये माइनस वन होगा, यहाँ भी माइनस आएगा तो ये माइनस का थ्री बन जाएगा,
माइनस का थ्री, यहाँ थ्री आएगा, यहाँ यहाँ भी टू माइनस थ्री, तो माइनस तीस आएगा बच्चों, तो ये हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। दिस इंप्लाइज एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर, इस पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव अंकित, अंकित अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? सर मैंने देखा है। चलो आगे, सर सर log e log is equal to log x, log e is equal to log 1, नहीं log e is equal to 1, अच्छा log e is equal to 1, देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन, टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल, कैसी ट्राइंगल है आइसोसेलिस, आइसोसेलिस ट्राइंगल में क्या होता है दो साइड इक्वल होते हैं, टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल विद फिक्स बेस बी, बेस इनका बेस फिक्स है, बेस इनका फिक्स है, ठीक है, और ये इक्वल साइड क्या है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये हमने इक्वल साइड को एक्स एक्स अज्यूम कर लिया, राइट और बेस क्या है बी है, बेस बी है, राइट right? अच्छा ये क्या कह रहा है कि दोनों साइड डिक्रीज कर रही है, दोनों साइड डिक्रीज कर रही है एट रेट ऑफ, तो इस साइड का जो रेट ऑफ एक्स डिक्रीज होगा दैट इज डी एक्स बाई डी टी, वो हमें दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये क्या है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ दिस, और ये हमने 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ दिस साइड, तो वो dx by dt हो गया, dx by dt हमें कितना दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ फास्ट द एरिया, एरिया किस रेट से डिक्रीज होगा वो फाइंड करना है बच्चों, ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, समझने पे ध्यान देना बच्चों, लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, आप मैं भेज दूंगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, अच्छा तो आइसोसेलिस ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वल इक्वल पार्ट्स में, तो ये बी है, ये बी बाई टू बचेगा, ये भी बी बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस लगाओ, ए बी सी पे पाइथागोरस लगाओगे तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में एक्स स्क्वेयर कितना होगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर, ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, बी डी स्क्वेयर, एक मिनट होल्ड करना बच्चों, हाँ बच्चों कहाँ थे हम, हाँ आपने ये पाइप लगाया तो आपके पास एडी कितना आ गया, एडी कितना आ गया
एडी स्क्वायर आपके पास आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ये बी बाई टू है, ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस बी डी कितना है बी बाई टू, तो बी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा ये, तो एडी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास फोर बी स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू, फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू, फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों किसी को? अच्छा चलो नहीं होगी। तो एरिया इज इक्वल टू, क्या होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इस ट्राइंगल का हमारा बी है, बी इंटू हाइट कितना है, हाइट हमारा यहाँ ये आ गया फोर एक्स स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट अपॉन टू, दिस इज व्हाट बी बाई फोर इंटू अंडर रूट ऑफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट राइट, एरिया हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा एरिया हमारा डिक्रीज कर रहा, हमारी साइड्स डिक्रीज कर रही हैं, ये एक्स साइड डिक्रीज कर रही है और उसके साथ एरिया भी डिक्रीज कर रहा है, तो डी ए बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा बच्चों, बी बाई फोर, ये बी बाई फोर एज इट इज रहेगा क्योंकि बी कॉन्स्टेंट है, डेरीवेटिव हम सिर्फ इस टर्म का करेंगे, इस टर्म का डेरीवेटिव करेंगे तो इसकी पावर आगे आ जाएगी और फिर पावर एक कम हो जाएगी, फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर आगे आ गई और पावर एक कम हो गई, इन टू में पावर का, पावर के नीचे जो फंक्शन उसका डेरीवेटिव करेंगे तो वो एट एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, और आई थिंक ये अगर बी वाई फोर, ये भी एट था तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, इतना आ गया, ये आ गया हमारे पास बी इंटू एक्स इंटू अंडर रूट जान, आप बोलो कि ये अनिरुद्ध क्या करे जान, बोल रहे कि जो आपने वो किया जो आपने ये डीए मटेरियल निकाला, हाँ उसमें जो होल्ड होल्ड रूट ऊपर नहीं होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए, अच्छा ये नीचे होना चाहिए, गुड 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 गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, ये यहाँ गलती होगी, ये नीचे होना चाहिए था, वन अपॉन होना चाहिए था, नहीं ये वन अपॉन होना चाहिए था, वन अपॉन करो इसको, वन अपॉन करो बच्चों, वन अपॉन करो बच्चे इसको, हाँ ये नीचे आएगा इनटू में एट एक्स, एट तो कट गया, चलो ये तो ये बचा बी बाई अंडर रूट बी एक्स अपॉन अंडर रूट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है वैसे ना, फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ठीक है चलो ये आ गया, अच्छा ये कट गया था, ये बी था और ये एक्स था, ठीक है अच्छा अब बच्चों क्या दिया हुआ है, देखो आपको फाइंड करना है डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी आपको कब फाइंड करना है, व्हेन इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, एक आपकी ये जो इक्वल साइड्स थी एक्स ये बेस के बराबर हो जाए, मतलब इक्वल टू बी हो जाए, तो एफ को एक्स एक्स इज इक्वल टू बी डाल देना है यहाँ पर, x इज इक्वल टू बी यहाँ डालेंगे तो ये हो गया ऊपर बी स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा फोर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थ्री बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया बी स्क्वायर अपॉन रूट थ्री बी, तो ये कट हो गया यहाँ से बी अपॉन रूट थ्री, बी अपॉन रूट थ्री, एक बार आंसर देखने को देखो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ही है, बी अपॉन रूट थ्री आ रहा है ना हमारा ये, अच्छा बच्चों एक चीज और, जैसे हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना, तो एक्स का डेरिवेटिव इनटू डीएक्स बाय डीटी भी आएगा यहाँ पर, इनटू यहाँ पर डीएक्स बाय डीटी भी आएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव हमने टाइम के रिस्पेक्ट में किया है, इंटू डी एक्स बाई डी टी भी आएगा, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है बच्चों थ्री दी हुई है, तो इंटू यहाँ थ्री आ जाएगा, ठीक है यहाँ भी इंटू थ्री आ जाएगा, ठीक है तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या बन जाएगा, इस रूट थ्री से ये थ्री कैंसिल होगा तो आपका आ जाएगा रूट थ्री बी,
रूट थ्री बी आ जाएगा आंसर। आया कैसे क्या बेटा? जब हमने एक एरिया को डिफरेंशिएट किया, तो हमने लिखा डी ए बाई डी टी, तो हमने हमारा डेरिवेटिव आया था बी बाई फोर अपॉन में टू इंटू फोर बी फोर एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र, ये किया था ना हमने, इंटू में जो पावर के अंडर फंक्शन था उसका डेरिवेटिव किया था, फोर एक्स स्क्र का डेरिवेटिव किया था, फोर एक्स स्क्र का हो गया एट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, फोर एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होगा एट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, एक्स का डेरिवेटिव आप करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, वो हमने छोड़ दिया था। अंकित आपको समझ आया ये? जब x का डेरिवेटिव हम कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव जैसे हमने 4x स्क्वायर का किया, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो वो हो गया 8x। अब डेरिवेटिव क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, x के रिस्पेक्ट में तो नहीं कर रहे ना, वो टाइम के रिस्पेक्ट dx/dt भी आएगा, और dx/dt की वैल्यू क्वेश्चन में 3 दी हुई थी वो डाल दी, जिसको सिंपलीफाई करके फिर रूट से 3 भी आएगा।